नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एके वर्मा। आईएएस की व्याख्यान माला श्रृंखला में आज हम लोग एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है कि आईएएस की जो प्रधान परीक्षा होती है, जिसको हम मेन एग्जामिनेशन कहते हैं, लिखित एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें उत्तर कैसे लिखा जाए। हमारे जितने भी सोशल साइंसेज के छात्र हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि वो लिखने का जो आईएएस में अंदाज है, उसको नॉर्मली वो वही रखना चाहते हैं जो कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में वो जिस तरह के उत्तर लिखा करते हैं। तो उत्तर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लिखना और उत्तर आईएएस की परीक्षाओं में लिखना, इसमें एक गुणात्मक भेद होता है। गुणात्मक भेद ये होता है कि आईएएस में जो कुछ भी लिखा जाता है, उसमें दो चीजों पर परीक्षक बहुत ध्यान देते हैं। पहली चीज तो प्रश्न में अपेक्षा आपसे क्या की गई है, कि आपसे विश्लेषण की अपेक्षा की गई है, कि परीक्षण की अपेक्षा की गई है, या आपसे आलोचनात्मक परीक्षण की अपेक्षा की गई है, तुलना की अपेक्षा की गई है, क्या प्रश्न की अपेक्षा क्या है। पहली चीज विश्वविद्यालय स्तर पर इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रश्न की क्या अपेक्षा है, छात्र लिखने लगते हैं उत्तर को। लेकिन आईएएस में ये परीक्षक देखता है कि आपने प्रश्न की अपेक्षा को समझा है कि नहीं। तो डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली डिस्कस, इल्यूसिडेट, इलेबोरेट, कंपेयर, इन चीजों के टर्म्स के अर्थ क्या हैं, ये हम लोग आगे चल के किसी वीडियो में फिर इसको समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि प्रश्न की अपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है आईएएस में। और दूसरी चीज जो आईएएस में इंपॉर्टेंट है कि वहां शब्दों की सीमा होती है। हर शब्द हर प्रश्न के आगे लिखा रहता है कि वो 200 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, 600 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, 150 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, 50 शब्दों में लिखाना चाहिए। तो चाहे जीएस का पेपर हो, चाहे वो मेंस का पेपर हो, उसमें शब्दों की सीमा बंदिश होती है। आज हम लोग बेसिकली जो हमारा ऑप्शनल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल में जो उत्तर आते हैं, उन उत्तरों में किस तरीके से हमको अपना उत्तर स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो एक चीज तो जो हम लोगों ने समझी कि प्रश्न की जो अपेक्षा होती है वो हमें जहन में रखनी चाहिए, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न का ढांचा होता है या उत्तर का जो ढांचा होता है, उस ढांचे को कैसे विन्यासित किया जाए, ये समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो सबसे अहम चीज समझने की है कि आप किसी भी विषय के हो, लेकिन जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं, तो उत्तर लिखते समय आपको मूल रूप से अपना जो फ्रेमवर्क होना चाहिए उत्तर लिखने का, वो एनालिटिकल, कॉम्परेटिव और क्रिटिकल, जिसको अंग्रेजी में हम ACC एक्रोनिम से व्यक्त कर सकते हैं, A फॉर एनालिसिस, एनालिटिकल, C फॉर कॉम्परेटिव और C फॉर क्रिटिकल, अर्थात आलोचनात्मक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक। ये हमको तीन मेजर कंपोनेंट्स अपने उत्तर में आईएएस के देने होते हैं। जो हमारा पहला खंड होता है आईएएस में, विश्लेषणात्मक, उस विश्लेषणात्मक का अर्थ क्या होता है, विश्लेषणात्मक उत्तर से क्या मतलब होता है। देखिए, विश्लेषणात्मक उत्तर का मतलब ये होता है कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव नोट आप ना लिखें, अर्थात केवल एक जिसको कहते हैं कि आप वर्णन करने वाला कोई एंगल ना रखें अपने उत्तर में। एनालिटिकल का मतलब होता है बहुत सारे जो प्रश्नवाचक होते हैं, उन प्रश्नवाचकों के संदर्भ में आप अपना उत्तर लिखें, अर्थात जैसे व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे। तो जब भी आप उत्तर लिखते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन का जो आधार है वो क्या, क्यों, कैसे है, इसमें कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है। इसलिए जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक एनालिसिस होनी चाहिए हमारे आंसर्स में, तो वो उसका अर्थ होता है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें हम व्हाट, व्हाई और हाउ के संदर्भों में अपने उत्तर को लिख रहे हैं, ताकि अगर हमारे विश्लेषणात्मक पार्ट को कोई पाठक पढ़ता है, तो उसको कम से कम ये तीन कंपोनेंट्स क्लियर हो जाए। ये चल के आगे भी काम आता है जब आप एक्चुअली किसी आईएएस ऑफिसर के रूप में किसी एग्जामिन करते हैं किसी फाइल को, तो आपको खट से ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई दिस प्रॉब्लम अरोज एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ का जो
फ्रेमवर्क है ये न केवल आईएएस में उत्तरों के एंगल से मान्य होता है या बहुत महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये एंगल इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब आप अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तो ये एंगल आपके दिमाग में चस्पा होना चाहिए। और किसी फाइल में आप तीन चीजें खर्च दे के अपना निर्णय सुना देते हैं, आपको एक मिनट का समय लगता है फाइल को समझने में, जब आपके धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो। अन्यथा अगर ये फ्रेमवर्क आपके दिमाग में नहीं है तो आपको फाइल को समझने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो वो चीज अब शुरू से आदत डालिए कि अब जब आप उत्तर लिखिए तो विश्लेषणात्मक जो आपका पार्ट है उस विश्लेषणात्मक पार्ट में आप क्या क्यों और कैसे के कंपोनेंट्स को जरूर डालिए। दूसरा पार्ट उत्तर में कि उत्तर कभी भी एक यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, अर्थात एक तरफा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी विषय पर आप लिख रहे हैं तो उसी विषय पर बस लिखते चले जा रहे हैं, बल्कि दूसरा उसका कॉम्पोनेंट है कॉम्परेटिव या तुलनात्मक उसका कॉम्पोनेंट होता है। तुलनात्मक कंपोनेंट का मतलब होता है कि दो चीजों में तुलना करना, अर्थात अगर आप किसी एक विषय को डील कर रहे हैं तो उस विषय को कितने चीजों से तुलना की जा सकती है। अगर कोई चीज एंशियंट की डील कर रहे हैं तो उसको मेडिवल और मॉडर्न से आप तुलना कर सकते हैं, यदि पॉलिटिक्स की चीज है तो उसको इकोनॉमिक्स में इंटरपोलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपके ऊपर कर सकते, अगर आप भारत पे लिख रहे हैं तो उसका अमेरिका से या जापान से या लैटिन अमेरिकन देशों से या एशियाई देशों से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो किसी भी चीज में किससे तुलना करना है ये आपका निर्णय होगा। लेकिन तुलना में फंडामेंटल अप्रोच क्या होता है कि तुलना जब आप कर रहे होते हैं एक चीज की दूसरी चीज से, एक विषय की दूसरे विषय से, तो वास्तव में तुलना का जो फंडामेंटल होता है वो होता है कि हम तुलना करने में विषयगत समानता और विषयगत असमानता, अर्थात दो तुलनीय चीजों में क्या समानता है और क्या असमानता है, इस पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा ये आपका कॉम्पोनेंट होता है, इससे आपका उत्तर बड़ा ही एनरिचिंग हो जाता है और कहा जाता है उत्तर का जो डेप्थ है या उत्तर की जो उसका विस्तार है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप भारत की कोई चीज भारत की इकोनॉमी डील कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी राइजिंग इकोनॉमी है, उसको आप चाइना से कंपेयर करते हैं या पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं या अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो वो चल जाए, भले ही एक पैराग्राफ में वो चीज आप करें लेकिन आपका उत्तर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एंगल हमको हमेशा इसमें अच्छे अंक प्रदान करता है और इसमें हमें काम करना चाहिए कि अपने उत्तर को एक यूनिडायरेक्शनल बना के उसको एक तुलनात्मक कॉम्पेरेटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा जो खंड होता है हमारे उत्तरों का जिसको हम लोग आलोचनात्मक कहते हैं, आलोचनात्मक में प्रायः दो खंड होते हैं। आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं होता कि केवल उस विषय वस्तु की हम आलोचना ही आलोचना करें, अर्थात आलोचनात्मक का टेक्निकल जो मतलब होता है वो समालोचना से होता है, और समालोचना का मतलब ये होता है कि उसमें आलोचना भी हो और अगर कोई प्रशंसनीय चीज है तो वो भी उसका कंपोनेंट होना चाहिए। तो इसलिए जब तीसरा पार्ट आप डील करते हैं तो जाहिर है कि उसके जो क्रिटिकल चीजें हैं, उसकी जो खराब बातें हैं, उसमें जो खामियां हैं, उस कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फिनोमेना है, कोई घटना है, उसकी जो बुराइयां हैं, गलतियां हैं, उसको तो आप इंगित करेंगे ही, लेकिन उसका जो कोई पॉजिटिव अगर एंगल है तो वो भी आपके थर्ड पार्ट में आना चाहिए। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएएस ऑफिसर की आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, आपकी एक एडमिशन की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, और आईएएस ऑफिसर के रूप में जब भी कोई फाइल आपके सामने आती है तो आपके सामने बताने वाला तो कोई होता नहीं है, फाइल पढ़ के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे केस का जो पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों साइड क्या है। और इसलिए ये जो अप्रोच है वो आपको उत्तरों में देखा जाता है कि आपको ये अवसर है कि नहीं, या ये आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं कि आप किसी भी पॉइंट का, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी विषय वस्तु को जिसको आप डील कर रहे हैं उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को आप इंगित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अपना एक जजमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं फाइनली कि भाई दिस इज वॉट। नॉर्मली जजमेंट हम यही ड्रॉ करते हैं कि जो उत्तर में जो कॉन्सेप्ट होता है उत्तर, क्योंकि उत्तर में अक्सर ऐसा होता है किसी बड़े व्यक्ति का कथन है, किसी बड़े स्कॉलर का कथन है, किसी बड़े चिंतक का कथन है, तो जाहिर है कि उनका आदर करते हुए हम लास्ट में एक ऐसा एंगल लेते हैं, एक ऐसा कारण बताते हैं जिसकी वजह से कि हम अपने जो मूल कथन है उत्तर का, जो कॉन्सेप्ट है, भावना है, जो उसकी पॉजिटिविटी या निगेटिविटी है, उसको लास्ट टाइम में हम मेंटेन कर लेते हैं, जस्ट टू शो अवर रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज सेड दैट कोटेशन और सेड दैट यू नो सेड दैट दोस लाइंस। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप अपने उत्तर को आईएएस मेंस में जब लिखते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मोनोलॉग टाइप ना हो, एक तरफा ना हो, और अनकम्पेयर्ड ना जाए, अनक्रिटिकल ना जाए,
है ना। तो ये तमाम चीजें एनालिटिकल, कॉम्परेटिव और क्रिटिकल, जिस समय आप अपने उत्तर को एनालिटिकल, कॉम्परेटिव और क्रिटिकल के फ्रेम में लाएंगे तो कम से कम आप नॉनसेंस नहीं लिखेंगे। आप अपने उत्तर में हो सकता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि उत्तर में समय सीमा होती है, सब उत्तर में शब्द सीमा होती है, जाहिर है कि सारे पक्षों को समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना आप लिखेंगे व्हाट वाई एंड हाउ या कॉम्पेरेटिव या क्रिटिकल और एप्रिशिएटरी, ये सारी चीजें कम से कम दे विल मेक ए सेंस ऑफ आउट ऑफ योर आंसर, और एग्जामिनर जरूर आपके इंटरेस्ट होगा आपके उत्तर से, और इस प्रकार से आपको भी एक संतुष्टि होगी, हाँ कम से कम आपके दिमाग में उत्तर कैसे लिखा जाए इसको लेके एकदम से कोई लैक ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक डायरेक्शन है कि हाँ हमको अपने उत्तर को किस दिशा में आगे ले चलना है। और अगर वास्तव में आपने इस, ये बहुत कठिन चीज है, ये कोई आसान चीज नहीं, ये भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये प्रयास अगर आप शुरू से नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन टेबल पे आप ये प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे फिर सुझाव और आग्रह भी होगा कि आप अगर आईएएस में सीरियस बिडर हैं तो वास्तव में आपको अभी से एनालिटिकल, कॉम्परेटिव और क्रिटिकल के फ्रेमवर्क में अपने उत्तरों को लिखने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो आपको आईएएस में परीक्षा में, लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, अवश्य होंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे अगर हमारे आईएएस के परीक्षार्थियों को जरा भी कुछ लाभ होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं समझता हूँ कि आपको आज का हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा। और अगर इस संबंध में और भी आपके कोई वो हो, प्रश्न हो या चीज़ें आप पूछना चाहते हो तो कृपया अपने आप उसमें कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, उसका हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अपने सुझावों से ज़रूर हमको अवगत कराते रहिएगा, जिससे कि आगे के जो चर्चाएँ हैं उसमें उनको हम शरीक कर सकें। और अगर वास्तव में आपको हमारा ये वीडियो प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो हमारे इसको वीडियो को आप लाइक करिएगा। और थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।